नमस्कार दोस्तों, आज मैं नगर परिषद साईंखेड़ा के इस अनाज मंडी जो बलराम मंडी कहलाती है वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ, नगर साईंखेड़ा में सालों की क्षेत्र के किसानों की और नगर साईंखेड़ा के किसानों की सालों की मांग थी कि नगर साईंखेड़ा में अनाज मंडी चालू हो। मांग करने के बाद किसान संगठनों ने मांग की, समाज सेवियों ने मांग की और मीडिया जगत ने भी मांग की कि नगर साईंखेड़ा में अनाज मंडी चालू हो। मध्य प्रदेश सरकार के जो किसान जो मंत्री हैं, कृषि विभाग मंत्री हैं, आदरणीय कमल पटेल जी, आप देख सकते हैं, कमल पटेल जी आप देख सकते हैं कि ये इनका नाम डला हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, कृषि उपज मंडी समिति गाड़ावाड़ा साईंखेड़ा शुभारम्भ एवं लोकार्पण कार्यक्रम आप देख सकते हैं 13/1/2021 दिन बुधवार को यह मंडी का यह लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था। आप देख सकते हैं 13/1/2021 दिन बुधवार कृष्ण पक्ष 1942 ये लिखा है इसमें डला है। हम आपको बता दें इसमें मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री कमल जी पटेल जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार की। इसमें अध्यक्षता मुख्य अतिथि ये थे और अध्यक्षता की थी हमारे इसमें शिलान्यास में नाम लिखा है माननीय श्री कैलाश जी सोनी जो राज्यसभा जी सदस्य हैं, माननीय रावत प्रताप सिंह जी जो हमारे क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं, माननीय श्री महेश जी चौधरी जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ केंद्र भोपाल के जी अतिथि थे ये भी आए हुए थे। इसमें माननीयों का नाम डला हुआ है, माननीय श्री जालम सिंह जी पटेल विधायक, माननीय संजय शर्मा जी विधायक, श्रीमती सुनीता पटेल जी विधायक, श्रीमती साधना स्थावर जी पूर्व विधायक, श्री गोविंद सिंह जी पटेल पूर्व विधायक, ये मुख्य अतिथियों के नाम डले हुए थे यहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल से यह शुभारम्भ का यह कार्यक्रम नगर साईंखेड़ा में हुआ था। आप देख सकते हैं, आप बताएं कैमरा चारों तरफ देखें, आप इस मंडी का हाल देखें, आप पूरे चारों तरफ फिर से घास चारों तरफ उग आई है, पेड़ उगने लगे हैं बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे एक जंगल खड़ा हुआ था, एक खबर निकल के भी आई थी कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ खड़े थे, बंगूरे के झाड़ थे, वो लकड़ियाँ कहाँ गई, अचानक रात में लकड़ी कट जाती और बिक जाती पता नहीं चलता है। मैं आपको बता दूँ फिर भी किसानों ने बड़ा दिल दिखाया और किसानों की मांग थी कि कृषि उपज मंडी साईंखेड़ा में चालू हो। मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री जो हैं हमारे श्री कमल जी पटेल मंडी के कार्यक्रम में आए और उन्होंने शुभारम्भ करके चले गए। बड़ी मंच से बोल के गए थे कि आने वाले दिनों में मंडी की खूबसूरती होगी, मंडी चालू हो जाएगी, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर किसानों का अनाज खरीदेंगे। लेकिन मैं सम्मानियों से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय कमल जी पटेल, मैं आप लोगों से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि आदरणीय हर जगह पैसा लग रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन किसानों के साथ ऐसा भेदभाव हमारे नगर साईंखेड़ा में क्यों हो रहा है? नगर साईंखेड़ा की अनाज मंडी बंद है, किसान बार बार आरोप लगाते हैं आपकी सरकार पर कि आपने शुभारम्भ करके और चले गए। यानी तारीफ तो जब होती कि आप लोग यहाँ पर यह मंडी चालू हो जाती, किसानों को फायदा होता, लेकिन किसान अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए 30-40 किलोमीटर जो बाडर जगोली पुल निवार से गाड़ावाड़ा जाते हैं, साईंखेड़ा से 25 किलोमीटर गाड़ावाड़ा मंडी जाते हैं और कभी कभी 70 किलोमीटर जो पिपरिया मंडी है वह भी नगर साईंखेड़ा से जाते हैं, किसान बहुत परेशान होता है। तो मैं आज फिर नगर साईंखेड़ा की बलराम मंडी में खड़ा हुआ हूँ और इस बलराम मंडी से आप तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस मंडी पर ध्यान दें और यह मंडी चालू हो जाए, जिससे क्षेत्र के नगर साईंखेड़ा एवं आसपास के क्षेत्र के हजारों किसानों को फायदा हो, क्योंकि किसान बहुत परेशान है और मंडी का हाल तो पूरा बिगड़ ही चुका है। चारों तरफ घास ही घास उग रही है, पेड़ उग रहे हैं, मंडी चारों तरफ से टूट रही है, तो इस ओर ध्यान दिया जाए। मैं आज फिर नरसिंहपुर जिला नगर साईंखेड़ा में बलराम मंडी से खड़ा हुआ हूँ, पत्रकार विनोद चौकसी।